एक तो माँ बाप नहीं है, वो मेरे पास किसी नहीं हो। एक है, एक उधर खड़ा है वो देखो उधर नीचे बैठा वो, और एक छह चार साल का है, उसको मैं पालती हूँ। हेलो गाइज, लॉन्ग टाइम नो सी, बट आई एम बैक विथ अ न्यू व्लॉग एंड अ न्यू ट्रिप। तो अभी मैं मुंबई शिफ्ट हो चुका हूँ और आज मैं जा रहा हूँ पुणे, क्योंकि कल मेरा एक शो है और मेरे घर से नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, काफ़ी हरियाली है। लोगों ने कहा था कि मुंबई में हरियाली नहीं होगी, बहुत कम होगी, मैं जब आया था उसके पहले, बट इधर मतलब बिल्डिंग्स भी है और उस साइड में काफ़ी जंगल वगैरह इधर है। अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और मैं मेट्रो की ओर वॉक कर रहा हूँ, तो मुझे मेट्रो लेकर ओबरॉय मॉल के पास जाना है, वहाँ पे मेरी पिकअप है। एक्चुअली मैं शाम को आज निकलने वाला था रात को, बट आज संडे है, आज मेरी छुट्टी हो गई, तो मैंने सोचा कि सुबह ही निकलते हैं। 9:45 अभी हुआ है और मुझे पिकअप पॉइंट पे पहुंचना है 11 बजे तक, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ टाइम है अभी, तो आई एम जस्ट वॉकिंग एंड गोइंग। फिर मेट्रो पे उतर के वहाँ से भी 10 मिनट की वॉक है, तो अराउंड 1 hour to 1 hour 20 minutes लग सकता है मुझे। और यहाँ पे अभी इस वक्त बहुत सारे लोग अपने कुत्तों को घुमा रहे हैं, मतलब लोग नहीं, एक्चुअली यहाँ पे डॉग वॉकर्स हैं, तो अमीरों की बिल्डिंग है आसपास पूरी, तो सबों ने अपने कुत्तों के लिए डॉग वॉकर्स हायर करके रखे हैं, तो मैं जब निकलता हूँ यहाँ पे डॉग वॉकर्स घुमाते रहते हैं कुत्तों को, और ओनर्स बहुत कम दिखते हैं, कभी कभार कोई दिख गया ऐसे कुत्तों को घुमाते हुए ओनर, तो वो रेयर बात है, नहीं तो जनरली अभी संडे है फिर भी डॉग वॉकर्स अपने कॉल पर लगे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं और कुत्तों को घुमा रहे हैं। अच्छा बिजनेस है ये भी, इंटरेस्टिंग बिजनेस है, जिनको कुत्तों से प्यार है और उनके पास कुत्ते हैं नहीं और कुत्तों के साथ खेलने का मन है, तो डॉग वॉकिंग करना भी सही चीज़ है। मैंने तो सिर्फ ये सब फिल्मों में, हॉलीवुड की फिल्मों में देखा था कि डॉग वॉकर्स होते हैं, कि आप हायर करो वो कुत्तों को घुमाएंगे, रियल लाइफ में कभी नहीं देखा था। और मुझे ये रोड पे, मैं जो फुटपाथ पे जा रहा हूँ, यहाँ भी काफ़ी देख कर संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे कुत्तों की पॉटी है रोड पे, तो कहीं पैर ना पड़ जाए, नहीं तो यहाँ पे बीच पे भी कुत्तों की पॉटी होती है कहीं कहीं, और वहाँ भी खाली पैर तो और ख़राब, कि आप बीच पे जा रहे हो पूरा सैंड है और किसी कुत्ते की पॉटी में आपका पैर पड़ गया, तो बहुत वियर्ड सी बात है। देखते हैं, पुणे में कभी गया नहीं हूँ, तो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम गोइंग टू पुणे, तो क्या पता कैसा रहे, कैसा एक्सपीरियंस हो। आई होप कि अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है कि पुणे बहुत अच्छी जगह है, सुंदर है, पीसफुल है। मैं जिस होटल में रुका हूँ, पहली बार मैं जब मुंबई आया था, फिर मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचा था और मुझे रास्ते में दिखा था ताज होटल, और मैंने सोचा कि यार मजाक में ही खुद से मैंने बोला कि चलो यहाँ पे लंच करके चलते हैं, तो फिर वो तो मजाक था, लेकिन अभी जब मैं आया हूँ तो मुझे परसों जब ये डिटेल्स, वेन्यू डिटेल्स वगैरह मिली, तो मेरी रूम बुक्ड है ताज में, तो मैं पुणे के ताज होटल में मैं अभी रुकने वाला हूँ। मे बी वेन्यू पे जाके रेकी करना पड़ेगा, नहीं तो चिल करेंगे, ताज जा रहे हैं पहली बार, पुणे भी जा रहे हैं पहली बार। Next station, Vivo DN Nagar. Change here for the yellow line. मैं अभी ब्लू लाइन से मेट्रो चेंज करके रेड लाइन पे जा रहा हूँ। यहाँ मुंबई मेट्रो में अगर चेंज करना है तो एक मेट्रो स्टेशन से निकल के दूसरे मेट्रो स्टेशन पे जाकर चेंज करना पड़ता है,
मतलब ऐसा नहीं कि एक ही मेट्रो स्टेशन है जहाँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उस पर जाके आप लाइन चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर लाइन चेंज करना है तो वी हैव टू, जैसे अभी मैं बाहर आ गया हूँ मेट्रो स्टेशन पे, तो अभी मैं यहाँ पे काइंड ऑफ ब्रिज है, एक ब्रिज है, तो ये ब्रिज क्रॉस करके मैं उस पे जा रहा हूँ, वो है दूसरी लाइन। तो फिर रेड लाइन पकड़ के मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँगा। और यहाँ हर मेट्रो स्टेशन पे बहुत सारे ईटिंग आउटलेट्स होते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स, केएफसी या चाय वाय जो भी चाहिए, यहाँ बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं ऑन स्टेशन, जैसे मतलब काइंड ऑफ एयरपोर्ट पे जैसा होता है, उतना ग्रैंड नहीं बट समथिंग सिमिलर। यहाँ ऐसे गेट्स होते हैं मेट्रो इसके, तो पहले ये मेट्रो का गेट खुलता है, फिर ट्रेन का गेट खुलता है, फिर आप लोग अंदर जा सकते हो। यहाँ के मेट्रो में एक और चीज़ खास है कि आप अपना साइकिल लेकर आ सकते हो और साइकिल को आप ट्रेन पे चढ़ा सकते हो, और मतलब साइकिल भी मेट्रो में जाती है, फिर आप जहाँ उतरे अपनी साइकिल भी उतार लो और फिर साइकिल से कहीं और चले जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मस्त चीज़ है ये। अभी मैं इस मॉल के अंदर हूँ, अभी 15-20 मिनट या जब तक गाड़ी नहीं आ जाती है तब तक मैं टाइम पास करूँगा। और ये हुडी पहन के मुझे इतनी गर्मी लग रही थी बाहर कि अंदर आना ही पड़ा, और मुझे सुबह में लगा था कि आई शुडंट वेयर दिस, बट नाउ आई वोर माई हुडी, तो अब जो है सो है। मैं अभी अंदर गया था, मैंने सोचा वॉशरूम जाता हूँ, बाल वाल सेट करता हूँ। मैं बाल सेट करने गया और मैं और बाल मैं बिगाड़ ली। मैं अभी अपने बाल को जितना ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ ये उतनी बिगड़ती जा रही है, और अभी मैं अंदर जाके दोबारा से सेट भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी गाड़ी आने वाली है और मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जितना ट्राई कर रहा हूँ ये और ऐसे मतलब ये फैलते जा रही है। मैंने सोचा था बाल बढ़ाऊँगा, थोड़ा ऐसे स्टाइल में रहूँगा, छोटी वोटी बनाऊँगा, और अभी तो मुझे ये हालत देख के लग रहा है कि मुझे बाल कटाना पड़ेगा ही। कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं, अभी जब मुझे कोई काम होता है, जब मुझे बाहर जाना होता है, तो ये होना ही है, बाल ऐसे ख़राब होने ही है। पर गलती मेरी भी है, मैं ही स्टाइल मारने के चक्कर में गया, सेट वेट करने लगा, हाथ वाथ फेरने लगा, बस हो गया ख़राब। इस फूड कोर्ट पे रुके थे हाईवे के आसपास, तो जो ढाबा होता है यहाँ, ढाबा के बजाय ऐसा फूड कोर्ट है जहाँ आपको मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, स्टारबक्स सभी चीज़ें हैं ढाबा छोड़ के। तो ये ढाबा का रिप्लेसमेंट है काइंड ऑफ, मतलब वेस्टर्नलाइज इन सब चीज़ों को। तो बड़ा स्टिल मिस ढाबा का फूड, क्योंकि ढाबा इज़ द बेस्ट। जब हाईवे पे अपन जा रहे हैं ट्रिप व्रिप करने, तो मुझे ढाबा का खाना बहुत सही लगता है। ये फूड कोर्ट है, बड़ा है, फैंसी है, बट ढाबा इज़ ढाबा। तो अभी हम लोग खा पी के निकल रहे हैं। अभी हम लोग जस्ट इस होटल में पहुँचे और मैं अपने रूम में आ गया हूँ, मस्त टीका वगैरह लगाकर वो लोग स्वागत किए। तो अभी जस्ट मैसेज आया कि हम लोग शाम को एक शनिवार वाड़ा टेम्पल है यहाँ पे, तो हम लोग शाम को वहाँ पे जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग वापस आकर रिहर्स वगैरह करना है। वॉट आई फाउंड आउट कि देर इज अ बाथटब इन दिस वॉशरूम, जो मुझे पहले नहीं दिखा था। साइको मूवी का सीन अब मुझे याद आ रहा है, साइको में ये पर्दा हटा के फुल, इफ यू हैव सीन साइको। और यहाँ एक बाथरूम में टेलीफोन है, वाह। अभी गलतफहमी ये थी, मुझे लग रहा था कि हमें मंदिर जाना है, वो एक्चुअली मंदिर नहीं है, वो एक यहाँ फोर्ट है, एक फोर्ट है, तो हम लोग वहाँ फोर्ट में जा रहे हैं। किला है। ये है अनुराग, ये 17 साल का बच्चा है, पर भाई क्या बोल रहा है, पर ये लगता नहीं है ऐसे। सर को मैं इसका सर हूँ, पर मुझे भाई भाई बोल रहा है। सर है तो मेरा भाई भी बोलता है।
हेलो गाइस, सो आई वाज एडिटिंग द ब्लॉग राइट नाउ एंड आई रियलाइज दैट ये ब्लॉग काफ़ी लंबा बन चुका है, तो इसीलिए मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. तो ये है पार्ट वन एंड एक दो दिन में आई विल बी रिलीजिंग पार्ट टू. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड.